once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. तो गाइस पूजा अभी फीड करने जा रही है बड़े वाले एलिफेंट को। कैसे फास्ट ले लिया। उन्होंने कहा कि उसको नहीं कर सकते क्योंकि वो हाँ ये बेबी को नहीं खा सकते बिकॉज वो उसे बनाना खाते। और दे पूजा पूरा लॉट ही उठा के मेरे को बोली लेके आने के लिए। छोटू बच्चों को भी चाहिए थोड़ा ज्यादा डालना। वो देखो 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 माँ केस में देखे कर रहा है। माँ नहीं दे रही उसको। हाँ तो फीड तो कर पूजा को देख। पूजा आग कैसा है ना इसको देख। छोटू को बाबू को देख वो कुछ मिल रहा है तो थोड़ा ज्यादा डाल। नहीं यार खत्म हो जाएगा ना यार। इसको बाहर निकलने का। नहीं हाथ नहीं लगाने का। सो गाइस अभी सागर फीड कर रहा है और सागर ऑलरेडी डर चुका है। ज़्यादा आगे मत जा। कितना खींचते है ना। हाँ ए गिर गया वो। देखो बच्चू देखो बच्चू देखो पीछे से वो भी खा रही है चोरी कर करके बट उसको देते नहीं है ये लोग। उसको एक्चुअली खाने को भी नहीं हो रहा। देख बच्चे को उसको पता नहीं है ना कैसे खाने का ये सब। तो गाइस ये बेबी एलिमेंट बैठ गया अभी मस्त एकदम मम्मी के पास। ये इनके जो लोकल है दे उसको घास दे। पूजा हाँ मैंने भी टच किया ना एकदम खड़ा टच कर टच। हाँ प्यार कर थोड़ा सा। वो मस्ती कर रहा है उसके साथ खेल रहा है। को मिलता नहीं है। बहुत क्यूट है। हाँ उसको वो देखना सुंड। हाँ ऐसे कर थोड़ा अच्छा लग रहा है। मस्ती हाँ फिर ताकत उनको पता नहीं ना वो बच्चे है ना। वेट ऑफ दिस एलिफेंट बेबी एलिफेंट हाउ मच वेट। पूजा कर रही है। बाय बाय। तेरे को भी
तू उस तरफ जाने का, इधर दिखता नहीं है, तेरा फेस नहीं दिख रहा। तो पूजा कर रही है, बाय बाय, थोड़ा कर प्यार उसको। दोनों माँ बेटे को अभी अपना टाइम देते, चल दोनों जाते हैं। सो गाइस, ये इन्फॉर्मेशन एंटर करते मतलब एंटर करते हुए आपको मिलेगी यहाँ के एलिफेंट्स के बारे में। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि पहले ये जंगल में काम करते थे, जो ट्री के ट्रंक्स इधर से उधर लेके जाने के, उन्होंने रेस्क्यू किया 1990 में। और इधर कितने टोटल उन्होंने बोला, 60 ना, 30 सॉरी, और तीन बच्चे उसमें से। और जो हमने अभी आपको दिखाया वो 6 मंथ्स ओल्ड है लड़का, लड़का है वो, बहुत ही क्यूट है ये बिल्ली सब जगह घूम रही है, है? सामने देख, इधर तो कुछ तो मिले। तो गाइस अभी हम वापस जा रहे हैं क्योंकि भी पूजा को एक प्रोडक्ट का ये करना है शूट, और मैं काम कर रही हूँ। हाँ, ऑल्सो मुझे फोटोशूट भी करना है, आउटफिट पहन के, क्योंकि आज कुछ हमारा है नहीं तो हम यही सब टाइम पास करेंगे, एंड देन कल एक्टिविटी है, पक्षी हो पक्षी सो गाइस, मैं जब बाहर आई ना, मैंने देखा ये बिल्ली यहाँ पे सोई हुई थी, अभी उठ चुकी है और बाहर का नज़ारा इंजॉय कर रही है। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए। तो मैंने पहन लिया ये वाला कपड़ा, अगर आपको याद होगा तो मैंने मॉल्डिस में ये वाला पहना था, लेकिन इसमें कुछ भी फोटोज निकाल नहीं पाए बिकॉज रात को डिनर के लिए गए, तो मैं अभी इधर यूज़ कर रहा हूँ। पहले हम जा रहे हैं झूले के पास, पूजा ले झूले के पास, कितना खूबसूरत झूला भी है, उल्टे बैठ उल्टा उस तरफ। हाँ, तो चले गए, फोटोशूट करते हैं थोड़ा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं ऐसे। हाँ बैठ के तो झूलते रहे मैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे फोटोशूट करने के लिए। हाँ, यहाँ पे जो रूम से वहाँ पे फ्रिज भी दिए हुए, और ये जो रिवर है वो जा रही है नीचे, और ये रही पूजा और ये राम है। अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाम्बू राफ्टिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और ये जो बंगलो है इसको सबसे आगे वाला व्यू मिला है, मतलब एकदम रिवर के पास। हम लोग हमेशा वही लिखते हैं, वो ट्रिक्स है, मतलब इधर संभल के आना, थोड़ा स्टीप है, मैं जाता हूँ फिर तेरे को बुला।